परफॉर्मर लिरिसिस्ट जब चालू किया था तो बस अपनी फीलिंग्स को पन्नों पे उतारना आता था, सोचा नहीं था कि एक दिन लोगों की कहानी बयां करने लगूंगा। एक दूजे दा एकम सिंह लड़का जो स्कूल में ना पढ़ता था, पढ़ाई नहीं सब कुछ ये बात से अकड़ता था, जितने भी मौके मिले उन सब को चकड़ता था, बच्चे के पालने में रैपिंग का सपना पलता था, मिटे मेरे गम जब लिखाई आई जीने में, जैसे मिली राहत और चाहत मेरे सीने में, दर्द मेरे सीने से जरा कुछ जो लफ्जों में ना बया वो रैपिंग में मैं कह गया, मेरी कमाई मेरी ही लिखाई है, जो भी लिख रहा खुद की मेहनत से बनाई है, कलम मेरी इबादत मेरी ही खुदाई है, कलम ने मेरी रूह खुदा से मिलाई है, मैं पूरी पूरी रात सोच क्या मैं हूँ सोच रहा, मैं फिर जाके लिखूं जो भी दिल मेरा लिख रहा, क्योंकि मेरे आगे बस अपना मेरा दिख रहा, क्योंकि मेरे आगे बस अपना मेरा दिख रहा, कलम से मैं माँ बाप के सपने साकार दूँ, कलम से मैं खुद के सपने आकार लूँ, कलम से मैं लोगों की रूह को पुकार लूँ, कलम के लिए खुद की जिंदगी भी हार दूँ, कलम से मैं माँ बाप के सपने साकार लूँ, कलम से मैं खुद के सपने आकार लूँ, कलम से मैं लोगों की रूह को पुकार लूँ, कलम के लिए खुद की जिंदगी भी हार लूँ, जितने लोग गिराए तो भी ऊपर मुझे जाना है, बहन को मेरी खुद की गाड़ी में बिठाना है, पापा मेरे नाते कभी भाई मिलने अंदर जा भी जाओ लोग करते आजकल स्टैचू की रिस्पेक्ट, हसन से कमाई है डैडी की मेहनत आज रंग लाई है, लिखूं तीन गाने ना लेता हूँ मैं नींद में जो सपने करूंगा उन्हें विद में, ना मिला कोई जिन ना कोई जादू की छड़ी, बस चाहिए मेरी बहन घर से खड़ी, लिरिक्स मेरे टोप करे चोक उड़ा दे होश सबके, मैं लिखूं आई आई सबकी फटके, मेरे वोट जैसे स्लैप सुरों से हटके, आ रहा हूं मैदान में रहना बच के। हेलो गाइस, थैंक यू, दिस इज गुरेकम सिंह सबरवाल, आई गो बाय द स्टेज नेम एक दूजे द एकम सिंह एंड आई हैव अ लॉट टू से। रैपिंग, रैपिंग फॉर मी इज नॉट जस्ट अ जॉनर बट इट्स अ वे ऑफ रिलीजिंग माई इमोशंस एंड मेकिंग श्योर दैट एवरी वर्ड इज वॉट माई हार्ट वॉन्ट्स टू स्पीक। मोर देन अ रैपर आई नो, स्टूडेंट्स को देखो, मोर देन अ रैपर आई कॉल माई सेल्फ अ लिरिसिस्ट फर्स्ट, बिकॉज आई फील with my lyrics or any lyricist can change boundaries, can create revolution, and I feel it's the most important and most powerful thing in this world. Oh my god, this is embarrassing. When I started, main slowly jab start kiya, I really don't know ki main ye rapping mein kaise aaya. I was so unclear with my words, I couldn't pronounce K R S kuch bhi nahi bhai, and that was because totla tha na main, तो मैं जब भी तोतला था तो मम्मी तो मेरे को ये भी बोलती है, मैं गाने भी ऐसे गाता था, तेरे नाम हमने टिया है जीवन अपना टारा टनम, सिंगर नहीं था ना रैपर था, तो सुर पे मत ध्यान दो तोतलेपन पे ध्यान दो। तो जैसे जैसे ये एक ट्रांजिशन होता गया फिर मैं आगे बढ़ा, ओ हनी सिंह लग रहा हो ना, हनी सिंह को सुनना चालू किया मैंने, और उसके बाद में रफ्तार भैया को सुना, रफ्तार भैया इसलिए क्योंकि मैं आगे बताऊंगा मैं भैया क्यों बोल रहा हूँ। सो ये मैं जैसे ही सुनना चालू किया मैंने बोला यार ये जॉनर जो भी है लिखावट का रैपिंग ये बहुत अच्छा है। फिर मैंने बोला मम्मी का बर्थडे आ रहा है, मैंने बोला मम्मी के बर्थडे पर मैं गाना बना लेता हूँ, तो मैंने बना लिया मेरी मॉम पे गाना, मॉम पे बनाया तो मेरी बहन नाराज़ हो गई, बहन पे बनाना पड़ा, उसके बाद मैं डैड पे बना लिया, फिर दोस्तों पे बना लिया, वो तो बनाना ही पड़ता है, तो लोगों पे बनाता गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे करके मेरे को लगा कि ये जो जॉनर है ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है और मैं इसको ही फॉलो करूँगा। बट देयर कम्स अ टाइम जो मेरी लाइफ में चैलेंजिंग था, 11th 12th, इट वॉज एज इफ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन अ टाइनी रोप वेर वन साइड वॉज माई पैशन एंड वन साइड वॉज माई स्टडीज। Because for an average student to step into ISC commerce, if you know, you know. मेरे को बोलते हुए भी कैसा लग रहा है, दिल से दर्द होता है, बुरा लगता है भाई। तो वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं बहुत हिट कर रही थी, एंड बट
एक था मन में कि सबको प्रूफ करना है, अपने टीचर्स को प्रूफ किया, अपने पेरेंट्स को प्रूफ किया, आजू बाजू के लोगों को प्रूफ किया कि आई हैव समथिंग यूनिक इन मी, क्योंकि रूट्स तो दिख रहे थे पर पानी डालना मेरी जिम्मेदारी थी, वरना फ़ायदा नहीं होता. तो आई डिड कपल ऑफ शोज, अच्छा सूट तभी भी पहना था मैंने, हाँ आई डिड कपल ऑफ शोज स्कूल टाइम में, एंड उससे मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप होता गया और धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड डेवलपिंग अ जॉनर फॉर माई सेल्फ, दैट वॉज रैपिंग. जब मैं रैपिंग कर रहा था, एक चीज़ थी, एक जॉनर था जो मुझे बहुत ज़्यादा जिसने फैसिनेट किया, वो था प्रोटेस्ट पोएट्री. क्योंकि मेरी मॉम हमेशा मुझे बोलती है कि तेरी लिखावट में कुछ तो अलग बात है, तो उससे तू एक चेंज क्यों नहीं क्रिएट करता. तो मैंने बोला ठीक है, आई डेवलप दिस जॉनर प्रोटेस्ट पोएट्री. तो वॉट इज़ प्रोटेस्ट पोएट्री, ये मैं अपने स्टाइल में ही बताऊंगा, क्योंकि मुझे चाहिए कि आई इनकलकेट एटलीस्ट वन सीड ऑफ प्रोटेस्ट पोएट्री इन ईच वन ऑफ यू. और लिरिक्स कितने पावरफुल है वो लोगों को पता चले. सो ये पैंडमिक टाइम पे मैंने कुछ लिखा था जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा. मैं पूछूँ खुदा की कचेरी में इंसाफ नहीं, मैं पूछूँ खुदा से क्या सबके कर्म पाक नहीं, मैं कहूँ खुदा से कि अपने ही अपनों को खो रहे, ये बातें भी क्या लगती है कागजी, मैं देखूँ दुनिया का हो रहा है पूरा खात्मा, किसका भाई किसकी माँ अब उसके पास ना, गरीब की दो वक्त की रोटी उसे राज ना, और किसको है यकीन कि बचाएगा वो परमात्मा, मेरी प्रार्थना बचाओ अपने प्राण हा, पैसों का नशा अपनों से लाता है फासला, है उदास सा पर किसके पास है इलाज ना, तो बैठो अपने घर पे और आओ जरा बाजा, लगाओ मास्क खा परवा करो अपनों की, लोगों की लगी पड़ी सेविंग्स है ये जन्मों की, क्या ही गलती तुम्हें दिखती है बच्चों की, जिनकी माँ उन्हें छोड़ गई और कभी ना लौटी, पूरे देश से मेरी भी ये पुकार है, नई सुबह आई कुछ पल का अंधकार है, मालूम है मुझे बिखर रहे पूरे परिवार है, पर संभल जाओ यार नहीं तो शहर कब्रिस्तान है, ये कोई गाना नहीं बस चल रहे हालात है, रेमेडी भी सिवियर है अगर गवर्नमेंट साथ है, पॉलिटिकल सिस्टम से मेरी भी दरख्वास्त है, इसके बाद वक्त नहीं है, वक्त साला लास्ट है. थैंक यू. तो ये जो चीजें मैंने देखी आजू बाजू, ये मैंने लिखी, वो मेरी कला है, वो मेरा प्रोटेस्ट पोएट्री है. और मैं वो प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ जो आजू बाजू में देखता हूँ, कि हर एक बंदे जब यहाँ से मैं परफॉर्म करके जाऊँगा तभी भी माइंड में चलना चाहिए कि ये कुछ तो ऐसा बोल के गया, कि ये सोच हर एक बंदे में होनी चाहिए. ओके वाओ, दिस इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ माय स्पीच. मैंने जो स्क्रिप्ट रेडी की थी, मैं वो स्क्रिप्ट में तो बोलने नहीं वाला, क्योंकि मैं अपने स्टाइल में सब चीज़ें बोलता हूँ. तो 3 साल पहले मुझे आया वीडियो कॉल, एक किया मोटिवेट रफ्तार भैया ने, सॉलिड हक्का बक्का रह गया, एक्साइटमेंट में बह गया, ठाना करना जल्दी उनके साथ मुझे शो लिट. 2 साल बाद मेहनत से आया एक मौका, नासिक मेरे नाम किसी ने ना अब रोका, रफ्तार भैया कलमकार के साथ आई होर्डिंग, मेरी एज के बच्चे नहीं पास कर पा रहे थे बोर्डिंग, बना मैं हूँ कैदी क्योंकि बॉर्ड्स का ये खेल, लिखाई मेरी डीप हिप हॉप का मैं ब्लू वेल, लेके चलूँ सफर में जैसे ये बेटा रेल, जीत के ना सीखा जितना सीखा होके फेल. So, thank you again. So, I owe up to Raftar Bhaiya and Kalamkar family for showing me how to be grounded even after having so much around. And that will be one of my most important memories jo main apne saath lifetime carry karunga. I need a pause now because ab jo main cheez share kar raha hu, wo cheez आप लोग सोच रहे होगे यार इतना हाइप पे लेके गया, रफ्तार की स्टोरी बता दी, अभी फिर से लो लेके जा रहा है. उस चीज़ के लिए मैं आपको एक कहानी है जो मेरे साथ हुई, जो लोगों के लिए कहानी है पर मेरी जिंदगानी है. एंड हर आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत कुछ चलता है जो वो किसी से शेयर नहीं करता. जब वो स्टेज पे जाता है ना, वो स्माइल लेके आता है, वो ऐसे परफॉर्म करता है और वो वापस जाता है. दूसरों को पता नहीं चलने देता कि वो घर पे जब जाएगा उसके घर पे क्या चल रहा है, क्या उसके इमोशंस है, वो किसको पता नहीं होते. आई हैड ए इंसिडेंट जो मैं, अगेन आई एम वेरी गुड एट राइटिंग, मैं भी मानता हूं, तो मैंने बोला मैं वो लिख के बताऊंगा आप लोगों को. लोग कहे बड़े स्टेज पे था, शो का भी मेरा दाम हाई रेट पे था, खुद से था मैं तो टूटा, हार्ट ब्रेक ही था, लगा जैसे मेरा करियर ऑन स्टेक ही था, मैंने खोई अपनी नानी फिर भी स्टेज पे था, कैंसर था उनको वो भी थर्ड स्टेज पे था, खुद में तो मैं तो टूटा हार्ट ब्रेक ही था,
एकम रहा है तुम्हारा उनका एक ही था। फिफ्थ को मैंने नानी लूज की मेरी, सेवन्थ को मेरा रफ्तार भैया के साथ शो था, अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट शोज, टिकट्स बुक हो चुकी थी पर वो आ नहीं पाए। मन तो नहीं था शो करने का पर मैंने बोला मैं शो करूँगा। सेम मंथ आई हैड 7 shows इन अ मंथ, बैक टू बैक चल रहे थे एंड आई लॉस्ट माई ग्रैंड फादर सेम मंथ एंड नेक्स्ट डे वॉज माई शो। तो एक ही फैमिली में इतना कुछ चल रहा था पर TEDx के पहले किसको नहीं पता, क्योंकि मैं कभी बताता नहीं हूँ। पर ये चीज़ से, और मैं बता भी क्यों रहा हूँ, बिकॉज दिस चेंज्ड अ बॉय टू बी अ मैन एंड दिस चेंज्ड अ पैशन टू बी अ प्रोफेशन नाउ। एंड आई वॉन्ट कि हर वो आर्टिस्ट जिसकी लाइफ में, आर्टिस्ट कोई भी तरीके का हो, उसकी लाइफ में बहुत चीज़ें चलती है, उसको रिस्पेक्ट करना हर एक बंदे की जिम्मेदारी है। सो यस अगेन माई वेरी डियर पार्ट ऑफ द स्पीच, आई डिड बैक टू बैक शोज विथ लाइक्स ऑफ रफ्तार, दीप कलसी, रश्मीत कौर, एक्जिया, रफ्तार भैया, बॉम्बे लोकल एंड मैनी सच आर्टिस्ट। आई डिड शोज, सोशल इवेंट्स, आई डिड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट कॉल घूमर, बैक टू बैक शोज आ रहे थे। आई हैड 2 guardian angels अप देर ब्लेसिंग मी फ्रॉम अबव एंड आई हैड माई हार्डवर्क विथ मी जो मुझे शोज बार बार दिलाता गया। एंड जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, शोज किए, मज़ा आ रहा था वो चीज़ करने में, इवेंचुअली जो आइडिया की बात हो रही है, आई हैड अ किक इन माई माइंड, आई हैड दैट आइडिया ऑफ डूइंग समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम वॉट पीपल आर डूइंग एंड वो था रिलीजिंग एन एल्बम ऑफ 21 हिप हॉप सॉन्ग्स टूगेदर। एंड अर्लियर दैट वॉज अ क्लेम दैट आई क्लेम्ड दैट आई एम द यंगेस्ट आर्टिस्ट इन इंडिया टू release an album of 21 hip hop tracks. Now that claim is verified by India Book of Records and I'm officially a record holder. So this was my life on a whole, and if you see here, a passion changed into profession, like I said. Now I did not stop. I just want you guys to never stop in life, because I don't follow that thing in life ever. I never did. I have my own studios and academy in Pune, and it's out there for artists giving services from the very artist point of view. You can see the pictures of my studio, it's designed by me, and this is what I want from everybody, to just follow your passion, prove everybody around you and you'll succeed. I'll end this speech with a very point of why I am called Ek Dooje Da Ekam Singh. I go by the stage name, I told you Ek Dooje Da Ekam Singh, and why I am called Nasik Da Ekam, wo main apne hi gaane ke zariye bataunga, unreleased specially for you and YouTube guys, for YouTube. Hey. I had a lovely time there. बीट लेके मैंने लूप करी, रैप लिखने की मुझे मैं देखो भूख बड़ी, खुद से सीखा मैंने खुद की है भूख बड़ी, बाकी रैपरों के गाने सुन के मेरी देखो सारी भूख मरी। टू फनी बोले बना रहा है क्यों मनी, बाप का नहीं खाता इनके फिर भी इनकी क्यों जली, लूट लिया जब से रैप की है रूट चुनी, रैप मैंने चुना हिप हॉप ने मेरी रूट चुनी। तीन गाने ये तो लिख ना पाए, मैं जो दूर आए मेरे आगे साले टिक ना पाए, एल्बम बनाए पर खुद को बस बड़ा दिखाए, जितना बड़ा दिखाए उतना खोखला पाए। ओके आई काउंट टू 5 बिकॉज़ आई हेट टू लाई, ये सब में 4 चल रहा है पर बने बीट टू फाइट, मेरे पास 3 है भाई करी है 7 लड़ाई, ये बस 2 दिन भाई और की हिट हर लाइन। और बात रही एक ही तो नाम में कम है, नाम का मजाक उड़ा उसमें ही दम है, कला का बुखार तुम किसका ना गम है, रोज गाने लिखूं फिर भी लगे मुझे कम है, आप रॉकर डाबर आई एम हार्ड टू कम्पीट, लास्ट मैन स्टैंडिंग टू टाक यू डिफीट, पास है कलम तेरे पास में है वीट, स्टेज पे चढ़ू मुझे चाहिए बहुत ज्यादा भीड़। इनवाइट आई पार्टी के अब बैक टू बैक, देखो फेम तभी बनाए है लाख टू लैक्स, ये तो फैक्ट्स, देखो गाने हम रोज बनाए, तुम दोस्तों कमाते हम फोर्स बनाए, मुझे चाहिए ज्यादा भीड़, हर गाना बना जॉइंट, मेरी लाइनें बनी बीट, इनसे होता नहीं कंपीट, मेरे कर्म मेरी एक लाइन इनके पूरे गाने करे बीट, स्ट्रेट फैक्ट्स जो मैं बहू वही बेटा पाऊ, बंदियां भी गाने सुने बोले दीदी वाओ, गाने में बनाओ तभी बढ़ता मैं जाऊं, नासिक के लोग डीएम करे कसा है भाव, मेरी फील थोड़ी अलग, हर गाना नया मेरी वाइब थोड़ी अलग, मेरी फील थोड़ी अलग, शहर का मैं किंग मेरी वाइब थोड़ी अलग, मेरी फील थोड़ी अलग, मेरी फील थोड़ी अलग, हर गाना नया ए।
बीट जब भी बजे चालू होता मेरा जोन मेनस्ट्रीम में पहचान फिर भी रहता मैं तो मौन क्योंकि कला दे जवाब मेरी आने लगे मुझे कॉल सब करे बात मेरी हाँ गाने सुने मेरे बोले भाई मस्त है सबके लिए प्यार जो भी दिल में है बसते हैवी थी हेडलाइन जब से बारी थी ये बसते विजन मेरा पड़ा मैंने खुद चुने रस्ते 21 गानों की एल्बम में ड्रॉप करी ऑडियो पे फोकस मैंने बहुत करी नॉक करी इनके हाई बजट वीडियो भी मैंने ब्लॉक करी मेरे ऑडियो के आगे इनके गाने मॉक करी प्रोड्यूस करना सीखा फिर मैं आया देखो पुणे स्टूडियो है खोला खुद का बना गुरु मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया देखो नाम मेरा मेहनत मैंने करी ऊपर वाला भी नाम तेरा मेरी फील थोड़ी अलग हर गाना नया मेरी वाइब थोड़ी अलग मेरी फील थोड़ी अलग शहर का मैं किंग मेरी वाइब थोड़ी अलग मेरी फील थोड़ी अलग हर गाना नया मेरी वाइब थोड़ी अलग एक दूसरे दे एकम सिंह आई हैड अ ग्रेट टाइम हियर अंटिल नेक्स्ट टाइम फॉर यू एंड फॉर यू गाइस टू एक दूसरे दे एकम सिंह Woo!